हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ सानिया शेख एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने अभी जस्ट यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो मैं अभी जस्ट रेडी हुई हूँ मेरे फ्रेंड के रिसेप्शन में जाने के लिए, और एक कुछ अनाउंसमेंट भी है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और हम लोग पूरी फैमिली जा रही है उमरा के लिए इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। तो रुआ कौन कौन जा रहे हैं अपन पता जरा? जी हम जा रहे हैं, हमारी बहन जा रही है, मम्मी अब्बू, हमारा भाई और दादी। माशाल्लाह से अब्बू और दादी का हज भी हो चुका है, दादी का तो दो बार हो गया है, मम्मी का भी उमरा हो गया है। बस हम लोग बच्चों का, जैसे मेरा रूहा का, अयमान का फर्स्ट टाइम उमरा है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोग को वहाँ का बुलावा आ गया है। तो अभी वही सब चल रही है, दुआएं वगैरह कुछ याद करने का सूरा, और कुछ हुआ कि पैकिंग भी बची है, बहुत है, कम दिन बचे हैं। तो आपसे शेयर करते हैं, क्या 2 दिन पहले हम लोग शॉपिंग गए थे, तो हम लोग ने क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें ली जो 15 दिन हमको लगने वाली है। अभी तो फ़िलहाल हम लोग शादी में जा रहे हैं मेरे फ्रेंड की, तो और वहाँ के भी कुछ क्लिप्स आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ये हम लोग आए थे उसे और लाइपा के रिसेप्शन में, तो ये देखो सारे कजिन्स और मेरे फ्रेंड भी थे, उनकी बहुत सारी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा सबसे बहुत टाइम के बाद मिलके। तो थोड़े पहले क्लिप शेयर किया है इस वीडियो में। ये देखो, ये है मेरे कज़िन और कम फ्रेंड्स, और ये उसे लाइपा। Oh my God! So soon to be couples. Soon to be married couples. और हम लोग आए हैं उमरा की शॉपिंग के लिए, बुर्का स्टोल वगैरह लेने के लिए। तो दिखाते हैं आपको आगे कैसे चलती है हमारी शॉपिंग। ये देखो खाना, ये एक्चुअली लास्ट वीक का वीडियो है। हम लोग गए थे यमनी अंकल की शॉप में अल अमूद, यहाँ बहुत अच्छे क्वालिटी के हम लोग ने बुर्का हिजाब वगैरह स्टोल्स लिए हैं। तो देखिए आगे हम लोग क्या शॉपिंग करते हैं। ये वीडियो एक्चुअली लास्ट वीकेंड का है, 2 दिन जो हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। मैंने कुछ बुर्के ट्राई करके देखे जो बहुत अच्छे क्वालिटी के थे। हम लोग ने इनके शॉप से बहुत बुर्के लिए, एक कुछ ब्लैक कलर में, कुछ कलरफुल। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा, मैं आपको अनपैक करके दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। और ये देखो, ये कौन सा है? यमनी जिलबाब था उनके पास, स्पेशल यमन का, क्योंकि अंकल ओरिजिनल इनका यमन है। तो अलग अलग वैरायटी मैंने ट्राई भी किया था यमनी जिलबाब, तो ये डबल लेयर्ड है। इंडियन जिलबाब जो आता है वो अलग होता है, वो भी नेक्स्ट क्लिप में देखिएगा, मम्मी ने ट्राई किया है वो। तो ये देखिए डबल लेयर्ड यमनी जिलबाब है विद नकाब अटैच्ड। ये अच्छा दिख रहा है, ये रूहा ट्राई कर रही है गिलबाब। फिर हम लोग डिनर के लिए रुक गए थे, फिर हम लोग ने खाया बटर चिकन, चिकन पहाड़ी और यम्मी तंदूरी रोटी, बहुत टेस्टी था। ये एक्चुअली नेक्स्ट डे का व्लॉग है, नेक्स्ट डे का शूट है, जब हम लोग आए थे कैंप कुछ ड्रेस मटेरियल लेने के लिए, हिजाब स्टोल और जैसे और कुछ जो चीज़ें लगने वाली थी, तो हम लोग यहाँ रुके थे। और अभी हम लोग आए, कुछ वाइट कलर का
ड्रेस मटेरियल लेना है मम्मी को। फाइनली मॉम को एक वाइट ड्रेस पसंद आ गया जो उन्होंने लिया उम्रा के दिन पहनने के लिए। फिर हम लोग आ गए थे लेस की शॉप में, यहाँ से वाइट कलर की मोटी लेस ली पैंट पे लगाने के लिए, जो वाइट ड्रेस है उसकी पैंट बनेंगे तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की ब्रॉड लेस लगा दी। ये मम्मी ट्राई कर रहे थे नया स्टाइल का आया है जिलबाब, तो इसमें अलग अलग कलर थे, इसमें से ये ग्रे कलर लिया है और इसमें से और दूसरे कलर्स भी ट्राई कर रहे थे। ये अभी नए स्टाइल की मखनी आई है जिसमें स्लीव्स भी बने होते हैं, बहुत अच्छी लग रही थी। ये हम लोग भी ऑलमोस्ट उस दिन की पूरी शॉपिंग हो गई थी, तो अभी और काफ़ी पैदल चल के थक गए थे और भूख भी बहुत लगी थी, तो इसके आगे हम लोग गए बर्गर और फलाफल खाने। कैंप का फेमस है पीके बर्गर, तो यहाँ हमने ऑर्डर किया था चिकन क्रिस्पी बर्गर और फलाफल पिज़्ज़ा जो कि थोड़ा कुछ अलग न्यू स्टाइल का लगा, तो दिखाते हैं आपसे शेयर करते हैं कैसे था। यम्मी चिकन क्रिस्पी बर्गर और फलाफल पिज़्ज़ा जो हमने ऑर्डर किया था बहुत टेस्टी था और क्वांटिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। अगर आप चाहेंगे कैंप साइड तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम लोग आए थे एक छोटी सी शॉप है शिवाजी मार्केट के लेन में जहाँ पे उम्रा का ज़रूरत का पूरा सामान मिलता है, तो हमने यहाँ से लिया 7 तानों की तस्बीह जो सफ़ा मरवा से चक्कर मारने के टाइम पे बहुत यूज़फुल होती है, बग़ैर खुशबू का साबुन क्योंकि सबको पता है उम्रा में बग़ैर खुशबू का साबुन यूज़ करना होता है। फिर आए हिरोली में एहराम लेने के लिए, वाइट कलर का एहराम लिया मम्मी के लिए और दादी के लिए। फिर आए हम लोग काफरीन जहाँ पे छोटा मोटा सामान लिया, हिजाब पिंस, सेफ्टी पिंस जो कि बहुत ज़रूरी होती है। फिर 2000 years later इसको देखो वाह। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या लिए हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाती हूँ सब जो हमने सामान लिया है बुर्का हिजाब अनपैक करके, कौन से कलर के क्या लिया है हमने, तो नेक्स्ट व्लॉग में भी ज़रूर देखना सारी चीज़ें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।